मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सपना रहा है और इस सपने को पूरा करने के लिए उठाने जा रहा हूँ बहुत बड़ा कदम। मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और गाइस, इस व्लॉग के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला व्लॉग है, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस कि इस व्लॉग में मैं ऐसा क्या करूं कि जो आप सभी को पसंद आए। हालांकि मुझे ये भी पता है कि ये मेरा पहला व्लॉग है और मैं पहले व्लॉग से आप सभी के दिल को नहीं जीत सकता, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और वो वक्त आप मुझे ज़रूर दोगे। और आने वाले वक्त में मैं आप सभी को ऐसे ऐसे व्लॉग दूँगा कि आप सभी के दिल को डेफिनेटली जीत लूँगा। मैं पूरा कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है गाइस। ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते मुझे आज 8 दिन हो गए। मैं ये पढ़ रहा हूँ, फिर वापस रीटेक कर रहा हूँ, फिर चालू हो रहा हूँ, लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। इतनी बार रीटेक किए कि मुझे अब पता चला है कि एक ब्लॉगर की लाइफ कैसी होती है। और गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को, इस व्लॉग को आप सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने इस व्लॉग के लिए बहुत मेहनत की और आने वाले समय में भी बहुत मेहनत करूँगा और आप सभी को ऐसे ऐसे व्लॉग दूँगा, आप सभी को एंटरटेनमेंट और बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग के लिए। थोड़ी सी मेरी स्पीच भी गाइस अभी थोड़ी सी नबड़ा रही है, क्योंकि हमारी भाषा गुजराती है और हम गुजराती है, इसलिए हमको हिंदी में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं एक मंथ से एक सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें मुझे मेरी छोटी बहन है सादिया, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। और गाइस, अभी भी मैं बहुत नर्वस हूँ। हमने ऐसी लोकेशन ढूंढी और ऐसा वक्त ढूंढा कि जहाँ पे कोई ना हो, क्योंकि जब लोग होते हैं तो थोड़ा हिचकिचाहट भी होती है और खुल के नहीं बोल सकता मैं, और गाइस थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक को भूल जाइएगा और इस व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग। यहाँ से व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा। और गाइस, मैं अब कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जाके आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन बता सकूँ, दे सकूँ। और गाइस, ये हमारे घर के बगल वाला पार्क है जहाँ पर हम बचपन में बहुत घूमने आया करते थे, और यहाँ का नज़ारा मतलब बहुत अच्छा है, दिल को जीत लेने वाला है यहाँ की हवाएं ठंडी। चलो मैं अब एक दूसरे लोकेशन में। चलिए गाइस, फाइनली वो प्यारा सा अच्छा लोकेशन मिल गया है जो हम ढूंढ रहे थे। और ये पीछे मेरे देख रहे हैं आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है और ठंडी हवाएं चल रही है। और ठंडी हवा के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा फुल नेम अकरम अनवर कुरैशी है और मेरे घर के मेंबर 10 है, उसमें से मेरे मम्मी पापा और मेरी 5 बहनें हैं और मेरी बीबी और एक मेरा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा जिसका नाम हैदर अली है और मैं खुद अकरम कुरैशी। और गाइस, मैं गुजरात जामनगर का रहने वाला हूँ, मेरा स्टेट जामनगर ही है। और आई लव माय इंडिया, प्राउड ऑफ माय इंडिया। और चलिए गाइस, अब हम थोड़े से अच्छे से सिनेमेटिक शॉट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से लोकेशन में आके बैठ गए हैं, क्योंकि बाहर बहुत धूप है, इसलिए अब हम यहाँ पे छांव में बैठे हुए हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठने की एक अच्छी वाली जगह बनाई गई है
और ये मेरे साथ जो है, आप सोच रहे हो ये कौन है, ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी बहन है जिसका नाम सादिया है, जो ये मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मदद कर रही है, स्क्रिप्ट लिखने में मेरी जहाँ पर गलती होती है वहाँ पे ये मेरे को हेल्प करती है और मुझे इसकी इसका बहुत सपोर्ट है गाइस। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे लोकेशन। और गाइस। और गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। मुझे पता चल गया कि एक ब्लॉगर की लाइफ कैसी होती है, क्योंकि एक एक टेक तीन तीन बार लेना पड़ता है, एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्योंकि कैमरा ऑन होता था तो उसके बाद क्या बोलना, किस स्क्रिप्ट में क्या होता था और क्या हमें बोल देता था, क्योंकि जो मेरे जी में आया वो मैं बोल दिया और जैसे तैसे करके इस ब्लॉग को मैंने यहीं तक ख़त्म किया। तो गाइस प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आज का ब्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी आने वाले ब्लॉग के साथ।